सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। इस खूबसूरत शहर की तारीफ देश भर में यहाँ की हरी भरी रंगत, स्वच्छ हवा व साफ सफाई के लिए होती है। किंतु शहर में साफ सफाई रखने वाले यदि परेशान हो और उनका शोषण हो रहा हो तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 4 जून दिन मंगलवार, चंडीगढ़ सेक्टर 24 में सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदार कंपनी द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ प्रदर्शन किया। अर्थ प्रकाश संवाददाता से बातचीत में पता चला कि ठेकेदार कंपनी ने डीसी रेट पर बढ़ी हुई तनख्वाह एक साल से रोकी हुई है और जब भी कर्मचारी अपना हक मांगते हैं या तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर आए दिन बदल दिया जाता है या फिर गैर हाजिर दिखाकर उसकी तनख्वाह काट ली जाती है। कर्मचारियों का कहना है कि इस मामले में नगर निगम चंडीगढ़ को दखल करना चाहिए और ठेकेदार कंपनी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। मेरा नाम ऋषि है जी। हम जितने भी साथी खड़े हैं मेरे यहाँ पे, हम लियोन्स कंपनी के वर्कर हैं। लियोन्स कंपनी चंडीगढ़ के अंदर है, इसने नगर निगम से ठेका ले रखा है सफाई का, और हम चंडीगढ़ के अंदर झाड़ू मारते हैं। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है, अगर हम इसमें झाड़ू ना मारे तो इसमें इतनी गंदगी फैल जाएगी और इसको नंबर वन लेके आने पे हम सब का हक, हम सब हैं जो चंडीगढ़ को नंबर वन लेके आते हैं, हम सारे साथी मेरे हैं, इनकी बदौलत चंडीगढ़ नंबर वन पर आता है। और उसके बावजूद भी हमारी जो अगर नंबर वन की बात की जाए तो चंडीगढ़ इस टाइम 20वें नंबर पे है। 20वें नंबर पे है सर, लेकिन वो किसकी वजह से है? वो प्रशासन की वजह से जी, नगर निगम की वजह से है। हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी समस्या तो तनख्वाह को लेकर है। एक साल हो गए हमारी बड़ी तनख्वाह को, वो तनख्वाह नहीं हमें मिल रही है। जो हमारा पैसा है एक साल से एरियल रुका हुआ, वो एरियल नहीं हमें मिला है। तो हम उसके लिए, हम उसके विरोध में बैठे जी। हम यहाँ पे अपना संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमारी जो तनख्वाह है और हमारा एरियल है जो हमें समय पर दिया जाए। इस चीज़ से हम बहुत दुखी होकर काफ़ी टाइम, हमें सर आश्वासन ये मिल रहा है, हमारे कुछ नगर निगम के प्रधान जी हैं कृष्ण कुमार चड्डा जी, वो हमारे बीच में आते हैं इस दुख की घड़ी में, वो हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो चेयरमैन है भाई ओम प्रकाश सैनी जी, वो भी हमारे साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। गुरचरण भाई जी हैं, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। और अब उनको मेयर की तरफ से मैसेज आया है कि भी अपने लियोन्स कंपनी के वर्कर हैं उनको कुछ साथियों को साथ में लेकर आओ, जो भी बात है हम बैठकर करते हैं, अब जो भी फैसला होएगा वो हमें आकर बताया जाएगा। अगर वो हमारी बातें नहीं मानी जाती तो हमारी ऐसे ही हड़ताल जारी रहेगी जी, हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती। मेरे साथियों के साथ तो नाजायज हो रही है जी, अगर हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो हमारी बदली अगर पेट्रोल छिड़कने का मामला आ रहा था कि आप पेट्रोल छिड़क के मर गए, वो क्या मामला था पूरा? भाई जी अभी तक पेट्रोल छिड़का नहीं है, अगर ऐसे ही हालात रहे तो वैसे ही देखो हम तो मर ही रहे हैं, अगर ऐसे भूख से तो मर ही रहे हैं हम, जब हमें समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है तो भाई जी इससे ज़्यादा पेट्रोल छिड़कने से मामला और ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा परेशान है भाई बच्चे। अगला रुख हमारा ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा, ये हड़तालें जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। हम इस चीज़ से पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे हमारी जान भी चली जाए ऐसे ही बैठे रहेंगे। काली जी, क्या ये पूरा मामला है जो सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे और कहीं ना कहीं आपके खिलाफ भी नारेबाजी की गई है कल, और पेट्रोल छिड़कने का मामला आ रहा, क्या था पूरा? देखिए वो तो ये लोग बेहतर बता सकते हैं कि मेरी तरफ से इन लोगों को कहां दुख पहुंचा, अगर जो ये मेरे को बताते तो शायद मैं उसको हल करने का प्रयास करता, नहीं तो मुझे मालूम है कि किस वजह से शायद इनकी बदलियों को लेकर मामला है, तो वो कंपनी का फैसला, इसके अंदर मेरा तो कोई लेना देना है। कल एक मीटिंग हुई आपकी उनके साथ, उनकी आपकी बातचीत हुई, उसमें आपने कुत्ते बिल्ली का वर्ड यूज किया? नहीं, वो देखिए उन लोगों के लिए कोई बात नहीं होती, एक कहावत होती है कि 100 कुत्ते मिलकर शेर का शिकार नहीं कर सकते जी। ऐसे बहुत आलोचक है ये चीजें, कोई व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं बंदा कह देता, लेकिन कई बार आलोचकों के विषय में बंदा नॉर्मल कह देता। तो मेरा अपने समाज के किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल 1% भी ये नहीं था कि उसका मनोमान सम्मान या उन लोगों के लिए या उनके मन को ठेस पहुंचे, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना कर चाहता हूँ कि अगर, लेकिन मैंने उनके लिए तो कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है। तो अभी जो आपके पास ये कर्मचारी आए थे, क्या आश्वासन दिया गया आपके? नहीं, आश्वासन है, इनकी डिमांड है, डिमांड के विषय में देखिये जो जेन्युइन डिमांड है वो बिल्कुल माननी चाहिए, और इसके ऊपर जो ये डिमांड अभी लेकर आए हैं इसके ऊपर तो मैं पहले वर्क कर चुका हूँ और काम आदेश अधिकारी को दे चुका हूँ, क्योंकि एक पैसे के अभाव के कारण हमारा जो बजट अप्रूव ना होने की वजह से 2-3 महीने लेट हुआ, जिसके कारण इनकी सैलरियां रुकी थी, वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।